नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड में जो कोरोना कर्फ्यू के जो नए नियम लगाए गए हैं या जो कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है उसकी जानकारी मैं लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं या आने वाले दिनों में आपका आने का प्लान है तो आने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले, क्योंकि ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। आपको हरिद्वार आने के लिए क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, और बहुत सारे लोग जो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आना चाहते थे उनके लिए भी इसमें पूरी जानकारी है। और उसके साथ साथ आप इसमें चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई और कांवड़ यात्रा से जो भी अपडेट है वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश की अच्छे स्थानों की वीडियो देखना चाहते हैं और ज़रूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को चौथे चरण में थोड़ी रियायत के साथ 8 जून को सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। पहले जो कोरोना कर्फ्यू था वो 1 जून तक था, 1 जून सुबह 6 बजे तक। अब इसको बढ़ाकर 8 जून सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इस बार जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें काफ़ी रियायत दी गई है। ख़ास तौर पर इस बार बुक स्टॉल भी खोलने का फैसला लिया गया है। 1 जून और 5 जून को बुक स्टॉल भी खोले जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी को बुक्स की ज़रूरत है, किसी को स्टेशनरी की ज़रूरत है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ इस बार जो परचून की दुकान है उसको हफ्ते में 2 बार खोला जाएगा, 1 जून को और 5 जून को, और समय रहेगा 8 बजे से 1 बजे तक। सरकार के फैसले के बाद शासन की ओर से जारी SOP के अनुसार कोविड कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में फल, सब्जी, डेयरी व दूध की दुकानें, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, मांस मछली की दुकानें पूर्व की भांत 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाना होगा। तो मैं आपको बता दूं, हरिद्वार आने के लिए जो पहले रूल थे वही रूल अभी भी हैं, उन रूल में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो आपको कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत होगी, बॉर्डर पर चेक होगा, उसके बाद ही आप उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आना चाहते हैं तो भी आपको कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत होगी। ध्यान रखें, 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं मान्य होगी, इसलिए 72 घंटे से पहले के ही रिपोर्ट लेकर हरिद्वार पहुँचें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार या उत्तराखंड में जो कोरोना के केसेज हैं उनमें काफ़ी कमी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी भी हरिद्वार में लगभग 150 के आसपास केस आ रहे हैं, जो कि पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है और ये बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में और भी कम हो सकेंगे और उसके बाद आप आसानी से हरिद्वार या उत्तराखंड के बाकी स्थानों पर जाकर अपना घूम सकेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि चार धाम यात्रा, जो उत्तराखंड की मुख्य चार धाम यात्रा होती है, उसको लेकर सरकार ने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ही जल्द उत्तराखंड के चार धाम यात्रा भी शुरू होगी। लेकिन उसकी क्या शर्तें होंगी, पहले किसको परमिशन मिलेगी, पहले डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या अदर स्टेट, ये चरणबद्ध हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से इस यात्रा को शुरू किया जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं, सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आई है और जैसे ही सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले उसकी जानकारी दे दूँगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और आपको हरिद्वार ऋषिकेश से जो रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी है कि वीडियो को आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। हरिद्वार और ऋषिकेश की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय गंगे माता।